हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड ए ट्रस्ट विद लॉ सम टाइम इन लाइफ, दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, आपने अगर हाई कोर्ट में अपियर किया होगा तो जब आप ऑर्डर इशू होता है तो उसमें वो होता है कि अपॉन पिटिशनर टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स लेट नोटिस बी इशू टू सो एंड सो। अब इसका मतलब क्या होता है? तो जस्ट टू रिमूव द कंफ्यूजन, इसका मतलब होता है प्रोसेस फी पे करना। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो एक प्रोसेस फी फॉर्म आता है, या तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या कहीं कोर्ट से खरीद सकते हैं। उसको आप वो भर के, मैं इनफैक्ट वो शेयर कर देता हूँ कैसे मैंने भरा है, और देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस हियर, दिस इज द प्रोसेस फी फॉर्म। और इनफैक्ट उससे पहले मैं ये दिखा दूँ कि जैसे इस ऑर्डर में आया था अपॉन पिटिशनर्स टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स इशू नोटिस टू सो एंड सो। तो एक इस प्रोसेस फी फॉर्म को आप भर देंगे, इसमें नेम ऑफ द कोर्ट, जो आप नाम लिख सकते हैं जज का, सूट केस सीएम मेन, अपना केस सिविल मिसलेनियस मेन, नाम लिख सकते हैं प्रीवियस डेट ऑफ हियरिंग, नेक्स्ट डेट क्या, इसके बेसिस पर, नेक्स्ट डेट के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि भाई आपको कितनी प्रायोरिटी देनी है प्रोसेस भी क्लियर करने। डेट ऑफ फाइलिंग, फाइल बाय होम काउंसिल ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर, पर्पस क्या है, नोटिस टू रिस्पॉन्डेंट, कितना रिस्पॉन्डेंट है, वन, अमाउंट ऑफ प्रोसेस फी। अब सेफ साइड रहने के लिए मैंने 5 कर दिया, लेकिन शायद 2 या 3 से भी हो जाता है। अब ये अमाउंट ऑफ प्रोसेस फी विल वेरी डिपेंडिंग ऑन कितने रिस्पॉन्डेंट है, बिकॉज उतने सारे नोटिसेज बनने पड़ेंगे। मेरे केस में एक ही है इसलिए मैंने 5 ही डाल दिया, और यहाँ पे कोर्ट फी एनेक्स तो फिक्स, तो यहाँ पे आप चिपका सकते हैं। तो लेकिन अगर सपोज एक से तीन चार रहते तो हो सकता है मैं भी रिस्क लेता, पता करता कि मिनिमम शायद 2 या 3 से भी हो जाता है। सेम डिटेल आप नीचे भर देंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते तो अहलमद या असिस्टेंट अहलमद साइन करके आपको देता, लेकिन आप हाई कोर्ट में सब कुछ ऑनलाइन है तो क्या होगा फिर? तो आप बस यहाँ पे साइन कर दीजिए, और नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आपको फाइल करना हो तो मैं 1 सेकेंड आपको शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैं हाई कोर्ट के ई फाइलिंग पोर्टल पे हूँ, और इनफैक्ट आई होप आपके लॉग इन आई डी पासवर्ड होंगे। अगर नहीं होंगे तो एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे आप घर बैठे लॉग इन आई डी पासवर्ड बना सकते हैं। तो अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, लेट्स होप ये लॉग इन हो गया। मेन आपका जब प्रोफाइल खुलेगा तो ये रहता है, फिर आप ई फाइलिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस फी का फॉर्म आएगा। अब यहाँ पर आप जाइए, तो जैसा मैंने अभी बताया था आपको, मेरे केस में इट्स सीएमए, तो यहाँ पे आप केस टाइप सेलेक्ट कीजिए, सीएमए, दिस इज सीएम सिविल मिसलेनियस मेन, एंड आई बिलीव इट वाज 24, आई थिंक इट वाज 2298, ठीक है, 2024। तो और मैं बिहाफ, मैं जय कलर कंपनी के बिहाफ पे कर रहा हूँ। प्रोसेस फी अमाउंट कितना है? 5 रुपए। अब यहाँ पर जैसे आपको मैं ये दिखा दूंगा, आपने जो उसमें देखा होगा कि मैं कोर्ट फी की जो मैंने स्टाम्प लगाई थी तो उस पे कोर्ट फी नंबर होता है, जैसे DLCD समथिंग। तो आप सबको, जैसे मैंने 2 2 1 की स्टाम्प लगाई थी, तो आप 3 यहाँ पे ऐड कर दीजिए। इनफैक्ट ये तो मैंने कभी यूज किया होगा, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो इट्स ऑलरेडी यूज, मतलब मैं इसको ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से आप उसको फाइल करेंगे, यहाँ पे आप वो फाइल अपलोड कर दीजिए। इनफैक्ट तो जैसे इस केस में मैं हाई कोर्ट में हूँ, और इसमें अगर PDF तो आ जाएगा, और आई अग्री करके आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे तो एक आपको डायरी नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि आपने प्रोसेस भी किस में फाइल किया, जैसे इस केस में मैंने सिविल मिसलेनियस मेन में फाइल किया, तो हाई कोर्ट में जो क्रिमिनल ब्लॉक है उसके अंडरग्राउंड में सिविल मिसलेनियस के वो जो फाइलिंग काउंटर है, तो वहां पे आप जाकर ये सबमिट, ये जो आप फिजिकल फॉर्म है, जो फिजिकल प्रोसेस के जो मैंने भरा था, तो इसको आप दे देंगे, और एक कॉपी पर रिस्पॉन्डेंट। तो जैसे चूंकि मेरे में बस एक ही रिस्पॉन्डेंट है, तो मैं कल एक ही कॉपी लेकर जाऊंगा, और उसके बाद वो आपको 10 12 दिन के बाद बुलाएंगे, जब डिपेंडिंग ऑन कि आपका नेक्स्ट डेट कितना आगे है, और जो ऑर्डिनरी पोस्ट है तो वो खुद भेज देंगे, और फॉर स्पीड पोस्ट और कुरियर आपको रिस्पेक्टिव जगह पे आपको डायरेक्ट करेंगे, और वहां पे आप जाकर ये सब काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए ई फाइलिंग मतलब ट्यूटोरियल इधर ऑनवर्ड किसी डिस्कशन के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रस्ट।